पचमढ़ी रोड के होटल तामिया पे, जहाँ से जो पचमढ़ी स्पॉट है वो हार्डली 80 किलोमीटर है। एक बहुत ही शानदार रिसोर्ट है, जिनके मैनेजर साहब हमारे बैठे और जो हमारे मित्र हमारे अरुण साहब वो भी बैठे, तो इसके बारे में डिटेल आपको, आप जब भी पचमढ़ी जाए तो एक बार यहाँ जरूर रुकेगा, तो बाकी जो जानकारी होटल की आपको ये सर देंगे। और इनका मोबाइल नंबर अच्छे से लिख लीजिएगा। हमारा मोटेल मोटेल तामिया नाम से जानकारी है, तो इसमें 14 रूम है, इसमें 4 नॉन एसी रूम, 4 एसी डिलक्स रूम और 4 स्टैंडर्ड एसी रूम, यानी जो दो ट्रिपल शेयरिंग रूम है, और अपना मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट भी है, एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, प्लस 5 अच्छा शानदार गार्डन है जहाँ पे जो कस्टमर एंजॉय करते हैं। और बाकी हम लोग जो विंटर सीजन में बॉनफायर फैसिलिटी देते हैं, गेस्ट लोग आते हैं बॉनफायर एंजॉय करते हैं, डांस प्रोग्राम में होता है, लाइव म्यूजिक होता है, सारी चीज़ होता है। और यहाँ से नज़दीक घूमने के लिए है पातालकोट है, जो 27 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ टोटल ट्राइबल एरिया है एंड फुली व्यू पॉइंट है, प्लस हम लोग पैकेज में रखते हैं ट्राइबल फूड वहाँ सर्व करते हैं। और यहाँ नियरेस्ट है जिंगारे वाटरफॉल है एंड अनोनी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, और छोटा महादेव सनसेट पॉइंट है नियरेस्ट, ये गेस्ट लोग एंजॉय करते हैं। अनोनी स्पॉट माने वो जो गरम गरम कुंड है वो गरम कुंड। और अरुण जी को आप बोलिए, आपका नंबर छोड़ दीजिए। जी मेरा नाम अरुण है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8827034442। सबसे अच्छा यहाँ का एक बार नंबर और बोलिए, 8827034442। सबसे अच्छा यहाँ का वातावरण है सर, बहुत अच्छा है, जो अपन को शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध माहौल में डालता है। बाकी आपका रिसोर्ट पूरा रोड पे है, मेन चीज तो ये है कि मेन रोड पे है अपना नागपुर से ये अपना देवरिया रोड, छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है ये तामिया रिसोर्ट, बहुत शानदार बनाया है, गार्डन भी मस्त है। बाकी हमारा फूड और सर्विस ज़्यादातर और हम अच्छा देने की कोशिश करेंगे, बाकी सभी स्टाफ सब हम लोग मिल बांट के सभी लोग पूरी तरह से कार्य करते हैं। यहाँ का फूड और सर्विस बेहतरीन है, जिसके बारे में कुछ भी हमको शिकायत, हम यहाँ 3 बार आ चुके हैं और बार बार जरूर आएंगे, तो आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जब भी इस रोड पर तो एक बार यहाँ जरूर रुके और यहाँ का मजा ले। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच जी। यहाँ मोटल तामिया में है, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तामिया के लिए है, आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एक अच्छी अकोमोडेशन है। यहाँ से तामिया जो है एक सतपुड़ा का हिडन प्लेस रहा है, सेंट्रल इंडिया में एक बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ नेचर ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ ट्राइब है, एडवेंचर के लिए बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर होता है, इको टूरिज्म के लिए यहाँ कैंपिंग ट्रैकिंग काफ़ी सारे प्लेस हैं। हम बात कर रहे हैं पातालकोट की, यहाँ का जो सबसे अच्छा आकर्षण है, जो अट्रैक्शन सबसे बढ़िया है वो है पातालकोट, तो पातालकोट के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लोगों ने सुन रखा है, पातालकोट के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, और एक जो वहाँ की जियोग्राफिकल तरीके से जो सिचुएटेड इस तरीके से पातालकोट है, उसकी दशावट भी बहुत अद्भुत है। तो आज पातालकोट के बारे में आप लोगों का पातालकोट जाना है, यहाँ से पातालकोट की जो व्यू पॉइंट है, पहला दृश्य आप पातालकोट का देखेंगे, जहाँ से पातालकोट का काफ़ी बड़ा एरिया आपको दिखता है ऊपर से, वो उस जगह को बोलते हैं रातेड़ व्यू पॉइंट, वो उसकी दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है। और रोड बहुत अच्छा है, आप जब उस रोड पे जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, बारिश के दिनों में वहाँ पे हमेशा कोहरे से वो जगह गिरी रहती है, आपका 10 फीट से दूर की वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं रहती है, तो आपको ऐसा फील होता है सेंट्रल इंडिया में अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल जैसी फील लेना चाहते हैं तो मानसून में ये सबसे अच्छा है। मानसून के बाद में बहुत अच्छी बात यह है कि जिस तरीके की यहाँ की टोपोग्राफी है, लैंडस्केप है, और वहाँ पूरा ग्रास पे हरा हरा ही लगा रहता है, उसके बाद में यहाँ पीले फूलों की एक फसल होती है जिसको जगनी बोलते हैं, उसका भी धीरे धीरे समय आ रहा है, तो वो येलो फ्लावर वैली भी हम उस टाइम को भी उसको बोल सकते हैं। तो आज आप जो जा रहे हैं पातालकोट, वहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा सुंदर दृश्य है, पातालकोट का व्यू पॉइंट से आप जो देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी सारे गाँव पातालकोट के दिखते हैं, ऊपर से जब आप देखते हैं लोगों को
तो वहाँ छोटे छोटे घर और छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं। तो इस बारे में कहा जाता है, कई बार धारणाएं लोगों की बनी है कि पातालकोट में छोटे छोटे बोने बने लोग होते हैं। हम भी 3 फुट के लोग हैं। वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ऊपर से देखने के बाद गलत है उसका रीजन। धारणाएं थोड़ी गलत है, उसका रीजन भी रहा है कि पातालकोट का जो रहवासी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो एक समय आइसोलेट थे। उनका पूरा जो लाइफ है, जो भी डिपेंडेंसी लाइवलीहुड था, वो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पे था, जिसमें फॉरेस्ट है, ट्रेडिशनल क्रॉप है, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा है, हम लोग उनके साथ आने लगे हैं, वो हमारे साथ जाने लगे हैं। और अभी पातालकोट जाने के लिए कुछ गाँव के लिए रोड भी बनी है। पातालकोट चूँकि जो एरिया है वो 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर 12 गाँव जो हैं पातालकोट के अंदर में आते हैं। उन गांवों में जाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एंड से, तो इस तरीके से वो पातालकोट की चीज़ें हैं। वहाँ इस समय आप ट्रैकिंग का बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं, वहाँ ट्रैकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। वहाँ ट्रेडिशनल क्रॉप में मक्का होता है, मतलब जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, कोदो कुटकी होती है। वहाँ पर काफ़ी सारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता है। जो चिरौंजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चिरौंजी जो चारोली कहलाती है, अचार जिसको बोलते हैं, वो जो ड्राई फ्रूट के रूप में वो यूज होती है, वहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का चिरौंजी। तो वही बनता है? एक बनता नहीं है, ये वनोपज है, प्राकृतिक रूप से जो जंगल बने हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ, तो उस तरीके से वहाँ से होता है। और वो उनका इनकम का एक बहुत अच्छा हैंडसम सोर्स है, जिससे उनको एक अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन चिरौंजी निकालने के लिए मिल में जाता है, मिल प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, तो वो प्रोसेसिंग यूनिट से चिरौंजी के रूप में निकलता है। यहाँ उसको गुटली बोलते हैं, अचार बोलते हैं। अच्छा सर। हाँ, ये है। आंवला बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, यहाँ महुआ, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं होती हैं। और जड़ी बूटियों के लिए बहुत स्पेशल यही जगह है। मध्य भारत में ऐसी जो उत्तर भारत में जो जड़ी बूटियाँ हिमालयन एरिया में होती हैं, उसके बाद में अगर मध्य भारत में कहीं पाई जाती है तो पता चलती है। अच्छा। उसका भी एक बहुत विशेष महत्व है। तरीके से चीज़ें हैं। फूड वगैरह, फूड की अगर हम बात करें तो वहाँ लोकल जो ट्रेडिशनल फूड खाया जाता है, पहले जब ग्रेन नहीं था तो जंगलों से निकलने वाली चीज़ें, कंद मूल, इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी। हमारे पास में पहले रिफाइनरी ऑयल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो लोग कोई भी चीज़ को पकाते थे तो या तो भून के पकाते थे या भाप में पकाते थे, स्टीम करते थे। अब रिफाइनरी ऑयल आ गया है तो चीज़ें दूसरे तरीके से बनने लगी। लेकिन बात करें तो वहाँ पे मुख्य रूप से मक्का बहुत अच्छा होता है, तो रोटी मक्के के रूप में, मक्के की रोटी खाई जाती है, चावल के रूप में कोदो कुटकी होता है, है ना, पल्सेस के रूप में वहाँ पे बलर होती है, बरबटी होती है। वेजिटेबल्स तो वहाँ पे क्योंकि ट्रेडिशनल क्रॉप जो होता है उसमें जो मक्का होता है, बारिश की जो फसल होती है, उससे 8 से 10 महीने की चीज़ें निकल जाती है। अच्छा। वहाँ ककड़ी है, कचरिया है, लौकी है, गिलकी है, कद्दू है, ये इस टाइप की सब्जियां तो निकलती हैं। साथ में वहाँ पे छोटा छोटा टमाटर, एक हमारे यहाँ देसी टमाटर उसको भेजरा बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक टेस्ट, उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, बहुत खट्टा होता है, तो उसकी चटनी के साथ में ये रोटी जब आप खाते हैं तो उसका एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। और इसका हमने एक नाम भी दिया है, आप अगर कभी इस चीज़ को ट्रेडिशनल फूड का एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फूड के बारे में समझना चाहते हैं, तो पातालकोट की रसोई हम लोगों ने एक डिज़ाइन की है। पातालकोट की रसोई का कॉन्सेप्ट जो है वो लोकल फूड को प्रमोट करना है, और साथ में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको उनके घर में बैठा के उनके किचन का, उनके द्वारा बनाया हुआ खाना खिलाना, तो जिससे लोकल्स का इंटरेक्शन भी होता है और लोकल की स्किल को आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये लोगों को पता नहीं नॉर्मली ये? हाँ, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि हम लोग हमारा सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से हमारी जानकारियाँ बहुत कम तक मालूम है, बहुत छोटे रिसोर्सेज पे हम काम। आपकी जानकारी बहुत लोगों को काम में आएगी। थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात है और आना भी चाहिए। तो पातालकोट की रसोई अगर हम देखें तो अभी तक पातालकोट की रसोई जो एक कॉन्सेप्ट है वो कहीं फिजिकली हम लोगों ने बनाई नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि जब आप आएँ तो उनके घर का वही हम शूट कर रहे हैं जाके। आज आपका बहुत अच्छा एक हमने प्लान किया हुआ है। पातालकोट का गांव है कार्याम, और कार्याम गांव में जहां रोड एकदम एंड होती है वहां एक ट्राइबल मड हाउस में आप रह जाएंगे। बहुत सुंदर, अच्छा घर साधारण होते हैं,
लेकिन उनकी जो वहाँ पे फीलिंग आपको आनी है, जो आपको अनुभूति होनी, वो बहुत अच्छी होनी है। बिल्कुल, तो आप उसको जाके देखिए, उसको एंजॉय करिए, वहाँ का लोकल फूड उनके द्वारा बनाया वो उसको करिए। और एक हमने जो टूरिज्म का ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, हाँ। ये रियल एक्सपीरियंस है, आप भी इंटरेक्ट करिए, वो भी आपके साथ में मिलेंगे, और आप जो आप और आपकी फैमिली ये एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो उसका एक अलग वो रहेगा। और हम भी हमारे वीडियो में ये चीज़ पक्का डालेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल ब्यूटी का, वहाँ पे एक्चुअल भी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। पहुँचाएंगे, और काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया में बात करें तो नागपुर से तामिया की दूरी केवल लगभग 200 किलोमीटर, हाँ 200 के अंदर ही, 3 घंटे का रास्ता है, और एक बहुत अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। रास्ता भी अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस, पीस आप अगर नेचर को नेचर है तो उसको आप बिल्कुल एंजॉय करें। थैंक यू पक्का। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं ट्राइबस्केप तामिया के लिए वर्क करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9425147159। एक बार और मैं बोल देता हूँ आपको, 9425147159। कभी आपको तामिया पतालकोट आना है तो ट्राइबस्केप तामिया, और ये मेरा नंबर है। और अब मैं आपको पतालकोट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पतालकोट की वादियाँ है, और ये पूरा जो पतालकोट है बंच ऑफ विलेजेस है, 79 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एक हार्स क्यू के वे में आपको यहाँ वैली दिखाई देगी, हार्ट शू टाइप का जो राउंड है वो, ये फॉल देख रहे हैं, ये बारिश में, अभी बारिश का फॉल है। ये विलेजेस जो नीचे देख रहे हैं आप, ये वाला विलेज कारियाम है, जहाँ हमारा ट्रेडिशनल लंच है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं अभी। और ऐसे के यहाँ पे 16 ढाने, जिसको हेमलेट्स बोला जाता है, वो हैं, और 12 विलेज हैं, यानी 16 हेमलेट्स को मिला के 12, यानी दो दो तीन तीन हेमलेट्स को एक विलेज माना गया है। तो ऐसे 16 है, अभी कुछ जगह 8 ऐसे विलेज हैं जहाँ पे रोड पहुँच चुका है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के थ्रू पे यहाँ पे रोड पहुँच चुका है, और अभी भी 4 से 5 ऐसे हेमलेट्स हैं यहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, तो काफ़ी विहंगम दृश्य रहता है। ये वल्चर आप देख रहे हैं ऊपर, ये वल्चर यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, अभी इनकी संख्या कम हो रही है, और पतालकोट में अभी भी ये वल्चर्स हैं काफ़ी मात्रा में। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है, भरिया जनजाति यहाँ निवास करती है, और इनका मिथ है कि एक राजा थे नागपुर के, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उनका, जब ब्रिटिश से युद्ध हुआ, तो ब्रिटिश से हारने के बाद, बचने के बाद, वो बहुत साल तक यहाँ छुपे रहे। राजा को एक जगह है यहाँ पे, वो छुपे रहे, तो राजा के उनके साथ में जो भार उठाने वाले जो सैनिक थे, और जो उनके साथ में दास थे उनके, वो साथ में आए थे भार उठा के, तो वो यहाँ पे बस गए, इसलिए उनका भार से भारिया जनजाति का जन्म हुआ। तो ये एक मिथ है। दूसरा मिथ है, ये अपने जो भरिया जनजाति है, ये लोग मेघदूत जो रावण के पुत्र थे उनको अपना वंचस मानते थे, तो इनका कहना है कि मेघदूत जब पताल गए थे तो वो इसी रास्ते से गए थे, तो वो तपस्या जो उन्होंने करी थी यहीं पर करी थी, तो इसलिए पतालकोट बोला जाता है। और पतालकोट जनरली वे में हम इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे डीपेस्ट प्लेस है एमपी का, तो उसके लिए डीप का मतलब गहरा होता है, और हम उसको अपनी भाषा में पताल बोला जाता है, इसलिए इसको पतालकोट नाम दिया गया है लोगों के थ्रू। और ये व्यू पॉइंट है, रात है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका जो विलेज है वो नीचे है, और यहाँ से हमें 5-7 किलोमीटर के बाद एक रोड मिलेगा, जहाँ से हम 15 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, वो कार्यम पहुँचेंगे। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे बहुत होता है, अधिक मात्रा में होता है, और इनका जो इकोनॉमी चलती है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ज़्यादा चलती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपको हनी यहाँ पे मिल जाएगा, मूसली यहाँ पे मिल जाएगी, अचार जिसको आप चिरौंजी बोलते हैं वो यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलेगा, कोदू कुटकी ये इनकी मेन फसलें हैं, और महुआ एक जो है महुआ भी इनकी
बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम आता है। और काफ़ी 228 करीब जड़ी बूटियाँ जो यहाँ पे रिसर्च हुई है उसमें सामने आई हैं, जो अच्छी अच्छी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यही रहता हूँ, ये गांव, गांव में यही गांव है, मेरा मकान है उधर है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? भैया, मेरा बाप का नाम नहीं, गांव का नाम क्या है? ओ कार्यम, कार्यम, कार्यम। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? वो तो तीन पीढ़ी हो गई। तीन पीढ़ी हो गई, अच्छा। तो इसको पातालकोट कहते हैं क्या? यही वाला तो है, यही पातालकोट है। और गुफा बोलने तो और इतने अंदर इतने उतरने पड़ेगा। अच्छा, और इसके नीचे है? हाँ, इधर पर पातालकोट। नहीं, पातालकोट तो यही यही है। और तो गुफा में कोई गांव है क्या? गुफा में नहीं होगा, नहीं कोई नहीं है, खाली है, यही है यार। पातालकोट ये गुफा में ऐसा है कि यार देख लो, ऐसा गुफा है और यहाँ से है गली है, मतलब पानी नहीं आता बिल्कुल, ऐसा गुफा। आपका नाम क्या है? भैया लाल, भैया लाल, भैया लाल। बाप का नाम बांगड़ा। आप, आपकी उम्र क्या है अभी? आपकी उम्र तो अब पक गया, मैं तो 60-70 हो गया हूँ। क्या बना रहे हैं आप? ये टमाटर की सब्जी। ये हमारा पातालकोट की रसोई कहलाता है। पातालकोट की रसोई, हाँ। ये कार्याम है, यहाँ पे हमारी पातालकोट की जर्नी ख़त्म होती है, 0 किलोमीटर यहाँ पे रोड ही ख़त्म हो जाती है और ये पातालकोट का, इस रोड का लास्ट गांव है।
राजा।